Welcome to Maxwell GM sir channel. You are learning finding the values of m and n if the expression x power 4 minus 8x cube plus mx square plus nx plus 16 is a perfect square. Exercise 3.8. Form a second sum. डिवीजन के सिंबल के अंदर x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 16 लिखना होगा. बार स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x पावर 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर मिलेगा. एक्स स्क्वायर को ऊपर और पास में दोनों जगह लिखना है. दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म के नीचे लिखना होगा. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे एक्स पावर 4 मिलेगा. साइन चेंज करके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म को कैंसिल करना है. नेक्स्ट दो टर्म को एक साथ नीचे लाना होगा. माइनस 8x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर और ऊपर जो x स्क्वायर हमने लिया है उसको स्टेप टू में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखना है. स्टेप टू में फर्स्ट टर्म को बाहर जो 2x स्क्वायर है उससे डिवाइड करना होगा. माइनस 8x क्यूब बाई 2x स्क्वायर. एक नेगेटिव साइन है इसलिए एक नेगेटिव साइन लिखेंगे. 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स x स्क्वायर और x क्यूब में कैंसिल होकर x बचेगा. माइनस 4x को 2x स्क्वायर के पास में लिखेंगे और ऊपर भी माइनस 4x लिखना होगा. अब माइनस 4x से 2x स्क्वायर माइनस 4x को मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू प्लस माइनस 2 4 जा 8 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा. एक्स क्यूब वाले टर्म के नीचे एक्स क्यूब का टर्म लिखना है. माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा. फिर से हम साइन चेंज करेंगे. साइन चेंज करके जो लाइक टर्म और अनलाइक साइन है उसको कैंसिल करके नेक्स्ट टर्म को ऐड करके लिखना होगा एम माइनस 16. नया जो निशान हमने लगाया है वही हम लोग मानेंगे. एम माइनस 16 एम माइनस 16 एक्स स्क्वायर होगा. और अगले दो टर्म को एक साथ नीचे लेके आएंगे प्लस एन एक्स प्लस 16. फर्स्ट टर्म स्टेप थ्री में इन दोनों टर्म को ऊपर जो दोनों टर्म है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज 2x स्क्वायर माइनस 8x होगा. अब m माइनस 16 एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर हमें मिलेगा. m माइनस 16 बाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर सीधा जो है डिविजिबल नहीं हो सकता है. इसलिए जो लास्ट में क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर गिवन क्वेश्चन इज ए परफेक्ट स्क्वायर तो इसलिए यहाँ पे जो 16 है
इस 16 को यहाँ पे जो नंबर हम लिखने वाले हैं उससे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो नंबर होगा वो और यहाँ जो नंबर होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 16 मिलने वाला है। तो फिर से हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख के, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा प्लस 4, तो प्लस 4 यहाँ पे भी हमारे पास आने वाला है और यहाँ पे भी प्लस 4 हम लोग लिखेंगे और प्लस 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 16 मिल सकता है और दूसरे किसी नंबर को लिखने में 16 नहीं मिलेगा। इसलिए प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 फाइंड करके प्लस 4 लिखना होगा। सो प्लस 4 इंटू प्लस 2 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 8 4 जा 32 एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस 4 4 जा 16। परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से साइन चेंज करके हम लोग रिमाइंडर 0 लिख लेंगे बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब m का वैल्यू फाइंड करने के लिए m माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, m माइनस 16 माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा और n प्लस 32, n प्लस 32 इक्वल टू 0 होगा। सो m माइनस 24 इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल टू 24 एंड n इक्वल टू माइनस 32, प्लस 32 वहाँ जाएगा तो माइनस 32। तो इस प्रकार से हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी सम को हम एक और एक मेथड से कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ द एक्सप्रेशन एक्स पावर 4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 16 सेम सम है। तो डिवीजन के सिंबल के अंदर हमें हर एक टर्म का कोएफिशिएंट लिखना होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना है इसको, और पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स पावर 4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 16 है, ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पावर 4 पावर 3 बाद में स्क्वायर बाद में एक्स और बाद में कॉन्स्टेंट। हर एक टर्म का कोएफिशिएंट सिंबल के अंदर लिखेंगे। एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, माइनस 8 एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस 8 है, प्लस एम एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस एम होगा, एन एक्स में प्लस एन और कॉन्स्टेंट 16 लिख के ऑर्डर से थोड़ा जगह छोड़ देंगे हर एक टर्म के बीच में। और स्टेप्स में फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म के नीचे लिखकर साइन चेंज करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव टर्म को कैंसिल करेंगे। अगले दो टर्म को एक साथ नीचे लेके आना होगा, माइनस 8 प्लस m और यहाँ जो भी नंबर है उसको, ऊपर जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा, 2 इंटू 1 2। फर्स्ट स्टेप 2 में माइनस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 मिलेगा, माइनस 4 को हमें यहाँ लिखना होगा और ऊपर भी लिखना होगा, माइनस 4 से 2 और माइनस 4 दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म के नीचे बराबर लिखते हुए जाएंगे, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16। फिर से हम साइन चेंज करके स्टेप 2 के अंदर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे और अगले टर्म को ऐड करके उसके आगे दो टर्म को एक साथ नीचे लेके आएंगे, प्लस n प्लस 16 और इसके बाद ऊपर जो दोनों टर्म है उनको एक साथ लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
टू वन जा टू माइनस, फोर टू जा एट, अलग अलग लिखना होगा क्योंकि ये सभी कोऑफिशिएंट है, इसको हम ऐड करके नहीं करेंगे, अलग अलग लिख के ही करना होगा। m माइनस सिक्सटीन को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सोचना होगा कि ये जो 16 लास्ट टर्म जो है वो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए लास्ट टर्म जो है 16, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 16 मिलेगा, इसका मतलब स्क्वायर नंबर होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा 4, तो प्लस 4 हमें यहाँ लिखना होगा और ऊपर भी लिखना होगा। तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए तीनों टर्म को प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 32 प्लस 4 4 जो 16, हर एक टर्म के नीचे बराबर लिख के साइन चेंज करेंगे, प्लस से तो माइनस होगा, माइनस से तो प्लस, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए रिमाइंडर जीरो मिलेगा, बिकॉज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए m माइनस 16 माइनस 8 इक्वल टू जीरो होगा और n प्लस 32 इक्वल टू जीरो होगा। सो m माइनस 16 और माइनस 8 दोनों नेगेटिव है, ऐड होके माइनस का साइन इक्वल टू जीरो, m इक्वल टू माइनस 24 उधर जाएगा, साइड चेंज होगा तो प्लस 24 हो जाएगा, सो प्लस 24, देयरफॉर m इक्वल टू 24। ऐसे ही n इक्वल टू माइनस 32 होगा, देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 32। हमने m और n दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया है, इस प्रश्न का आंसर इतना ही है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you for watching this video. If you have not subscribed to this channel, please subscribe to the channel.